तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ और अब इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि XUV700O की जो वीडियोस वगैरह थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स ने अब वीडियोस अपलोड कर दी हैं और मैं नहीं चाहता था कि मैं सिंपथी लेके किसी की वीडियोज़ में अपने व्यूज़ लूँ, तो अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद मैं वाली वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले महिंद्रा के ऊपर, जहाँ पर मैंने उसके बारे में कुछ बुरा बोल दिया था जो कि नहीं बोलना चाहिए था मुझे, और इलॉजिकल सी वीडियो हो गई, मेरी तरफ से गलती हो गई जिसको मैंने समझा भी। उसमें आई थिंक 2-3 हज़ार व्यूज़ आए थे, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई यार ये कैसी वीडियो बना दी तुमने, इतने अच्छे कंटेंट बनाते हो। अपने जो सब्सक्राइबर्स लोग भी थे, कुछ लोगों ने कहा कि यार हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तुम तो मतलब फालतू बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो कि ठीक था और मुझसे गलती हो गई यार। एज अ ह्यूमन हूँ मैं भी, इंसान ही हूँ यार, गलती हो जाती है। तो मैंने उन लोगों से कहा यार आई एम रियली सॉरी, ऐसे ऐसे हो गई, मतलब एक अनजाने में वीडियो बन गई यार, मुझे माफ़ कर दो उस चीज़ को। तो लोगों ने अप्रिशिएट कराया, बोले यार चल कोई बात नहीं, एक वीडियो ही तो है, चल कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी हो जाता है। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमेंट्स में करके दिया, सब्सक्राइब भी करा मेरे चैनल को और बहुत ज़्यादा सही करा। बट रिसेंटली क्या हुआ, उस वीडियो को एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगे। पता नहीं यूट्यूब ने ऐसा क्या करा कि वो वीडियोज़ इतना ज़्यादा व्यूज़ आ गए कि उसमें 60-70 हज़ार व्यूज़ आ गए, और उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा हेट आने लगा। तो उससे हुआ क्या, मतलब आप लोग कहोगे यार भाई बिल्कुल हेट आना चाहिए कि आपने एक गलत वीडियो बनाई है, उस पर आप क्या चाहते हो, उस पर लाइक्स थोड़ी आएंगे। भाई बिल्कुल मानता हूँ उसमें डिसलाइक, और बिल्कुल सही करा जिन लोगों ने डिसलाइक करा, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। बट अब हुआ क्या ना, अब XUV700O की सारी चीज़ें चल रही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था और उसी टाइम पर ये वीडियो भी एकदम वायरल होने लगी। अब बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाने थे, उनको अपलोड करना था, एडिट करना था, तो ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी उसका बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो उसमें हुआ क्या ना, अब XUV700O के मैं वीडियोस अगर आप लोग देखते होगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने बना दिए थे, जिससे एक रीच जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए मुझे और मतलब लोग अप्रिशिएट वगैरह करें। बट अब इसी बीच हुआ क्या, काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले तेरा चैनल बंद करा के मानेंगे, ये करा के मानेंगे, अनसब्सक्राइब करने लगे उस वीडियो के चक्कर में। जब ये वाली वीडियोस देखी, मुझे अप्रिशिएट करा, फिर वहाँ पहुँचे तो लोगों को ही लगने लगा कि मैंने अभी वो वीडियो अपलोड करी है, जबकि वो बहुत पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने अपॉलोजी भी मांग रखी है लोगों से। बट वही रहा कि लोगों ने मेरे वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू कर दिया, जो मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाए, जो अच्छे वीडियोस थे जिसमें मेहनत थी, उनको सबको डिसलाइक करने लगे और वो वीडियो की रीच कम हो गई। आप लोगों को पता होगा अगर किसी भी वीडियोस में डिसलाइक आते हैं और मतलब हेट कमेंट्स वगैरह आते हैं तो यूट्यूब उसको मतलब लोअर रैंक कर देता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई, मेरे वीडियो सारे लोअर रैंक करने लगे। अगर जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हो, जो भी क्रिएटर वगैरह, उन लोगों को पता होगा यार कि कितनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। पहले कैमरा सेटअप करो, फिर माइक वगैरह सेटअप करो, फिर उसके बाद एडिटिंग करो, फिर कभी गलती हो जाती है तो कभी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो कभी कोई कॉल कर देता है, एयरप्लेन मोड पे लगाना भूल जाते हैं, वीडियो बंद हो जाती है, फिर उसको दोबारा रीशूट करो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट काफ़ी लोग मुझे लगता है इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था कि मैंने अपॉलोजी वीडियो बना रखी है। वो अपॉलोजी वीडियो एक वीडियो के ही अंदर थी, जो कि आई थिंक मुझे अलग से बनानी चाहिए थी, जो मेरी गलती हो गई। एंड अब ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब ख़त्म हो गई XUV700O की थोड़ी सी बात, और अभी सिंपथी लेके मैं नहीं चाहता था कि मैं अब XUV700O की वीडियोस अपलोड करके मतलब व्यूज़ वगैरह लूँ, तो सोचा यार बाद में ही बना देंगे, कोई बात नहीं। हेट वगैरह आने लगे, मतलब आप देख सकते हो इतनी सही सही वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उस पर इतने ज़्यादा डिसलाइक्स वगैरह हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मैंने पहले बना रखे थे, जल्दी जल्दी एडिटिंग करना, जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कोई नहीं यार, अब लोगों को भी नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता होगा जो मतलब अभी आए हो कि मैंने बना रखी थी ऑलरेडी अपॉलोजी वीडियो, और पता नहीं मैंने यार वो वाली वीडियो बनाई क्यों, मेरा पता नहीं क्या दिमाग में आई और इलॉजिकल पॉइंट्स हो गए उस वीडियो में यार, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि कोई कैमरामैन हो या मेरा कुछ और मतलब बड़े बड़े लोग मेरे पास हों कि कोई कैमरा संभाल रहा है तो कोई वीडियो एडिट कर रहा है, तो जब वो लोग होते हैं तो थोड़ा सा एडवाइस कर देते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा होता है। बट मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और अभी ग्रो कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करो इस चीज़ में, ना कि मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो जो लोग कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं यार वो लोग करेंगे भी, और इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ पर दोबारा से हेट आने लग सकता है मुझे, हो सकता है कि कुछ और अनजाने में वीडियो बन जाए और उस पर हेट आने लगे, क्योंकि गलती जो है वो इंसान से होती रहती है, हो सकता है इन फ्यूचर भी मुझसे हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं, अब जो लोग हेट देंगे वो तो यार देंगे ही देंगे,
बट समझ लो यार कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और स्टिल अगर आप लोग हेट दोगे मुझे तो एक ही चीज़ कहूँगा यार कि आप भी एक वीडियो बना कर देखो, उसको एडिट कर कर देखो, कैमरा वगैरह एडजस्ट करके देखो, आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इन सब चीज़ों के पीछे। तो यार ये एक थोड़ी सी बात थी शेयर करनी थी, सोचा शेयर कर दूँ क्योंकि हेट की जो मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे चैनल पर। साथ ही साथ जो पुराने लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करा मुझे और उन लोगों ने लाइक भी कर रखा है उस वीडियो को, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी कर रखा है और इसीलिए कर रखा है क्योंकि एक अपॉलोजी वीडियो बना दी थी लोगों ने, कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गई गलती कोई बात नहीं। तो यार ये चीज़ शेयर करनी थी एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। तो इस वीडियो को एंड कर देता हूँ मैं, बोर हो रहे हो गए, तो चलो यार आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में।